बेटा जान, पाकिस्तान के एटम बम को छोटा ना समझो, बात हमने कही थी, गौर से सुनो इस बात को। मशरिक और मगरिब में अगर मुसलमानों की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है तो इस वजह से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। जितना आपने इस एटम बम पे खर्च किया है, ये दो जहानों में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर इसराइल को कोई रोके हुए है कि वो मुसलमान मुल्कों को हड़प करके मदीने तक नहीं आ जाता, तो आपके एटम बम के खौफ से। अगर इंडिया को कोई रोके हुए है, मलेशिया से लेकर काबुल तक अपना कब्जा नहीं कर लेता, तो आपके एटम बम के खौफ से। और पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया क्यों था? अल्लाह के राजों को समझो। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बनाया था कि गजवाए हिंद लड़ना है। हुजूर की उस हदीस में पूरा होना है कि हिंदुस्तान पर मुसलमान दोबारा कब्जा करेंगे, और जिसके लिए पाकिस्तान को एक फौजी ताकत और एटमी कुव्वत